हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक फटाफट एक नाम दिया है, अगर बात करें तो मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, किसमें से आपको एग्जिट कर देना चाहिए, किसमें से आपको एंट्री करनी चाहिए, ऐसे कुछ स्टॉक से रिलेटेड और कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड आज की दिन भर की, तो उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और अभी एक वीडियो हमने अपलोड करी है यहाँ पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, डेफिनेटली देखिएगा। बताना चाहता हूँ, एक ब्रेकआउट स्टॉक है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न 50% का रिटर्न आपको दे सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। 6 टाइम बोनस 2 बार स्प्लिट, ओके, हाईएस्ट ऐप प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, वर्चुअल डेट फ्री कंपनी है, अभी 200 मूविंग एवरेज से अभी उठ के खड़ी हुई है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस शेयर की तरफ, एज वेल एज आते हैं वीडियो की तरफ। आज जैसे कि आपने देख लिया है मार्केट 14,923 तक जा चुका है, अच्छी खासी जंप, मतलब 1.67% 245 पॉइंट्स की जंप यहाँ पर सीधी देखी गई है। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर अगर पिछले 6 महीने से हम देखें तो इसी तरीके से कि मार्केट खेले जा रही है हमसे, कि ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर उस लेवल पर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर उस लेवल पर जाती है, फिर कंसोलिडेट कर, तो एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अच्छे अच्छे शेयर में आप है तो बने रही है, अदरवाइज आपने बेकार शेयर ले रखे तो ऐसी जंप में उसका फायदा उठा के निकाल के बाहर फेंक दीजिए। और अच्छे अच्छे स्टॉक्स आज की डेट में बहुत नीचे लेवल पर चल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं तो उन स्टॉक्स को खरीदना, बाइंग करना शुरू कर दीजिए, जो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको बेहतरीन रिटर्न्स देती हुई कंपनी नजर आएगी, तो इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं और भी कुछ चीजों की, तो देखिए कोविड का केस जब ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट यहां पर एक ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर देखें तो यहां पर न्यू केस मतलब 2,81,000 पे रह गए जहाँ पर 4 लाख थे, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए भी, इंडिया के लिए भी, एंड होप ये इस तरीके से और भी नीचे चले जाए और हमारा ये कोविड पूरा का पूरा इंडिया में से ही नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड खत्म हो जाए और वैक्सीनेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। बट स्टिल तब तक आप लोगों को सावधानी रखनी है अपनी और अपने आसपास अपने घर वालों की, सबकी सावधानी का थोड़ा सा ध्यान रखिए। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर कुछ कोविड से रिलेटेड, तो कोविड से रिलेटेड देखिए बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। स्पुतनिक वी की वैक्सीन लगना शुरू होगी अब, ओके, मार्केट में वो आ गई है। और यहाँ पर कहाँ पर लगेगी, तो अपोलो हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है डॉक्टर रेड्डी, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो स्पुतनिक वी की वैक्सीन आपको लगती हुई नज़र आएगी। उसका प्राइस 700-800 जो भी है, तो वो आपको एक पे करना होगा, आप वहाँ पर जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। रशिया की एक वैक्सीन है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसी वजह से यहाँ पर देखें तो फ्लैट ही था, मार्केट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट लास्ट में थोड़ा सा ऊपर जंप हुआ, फिर उसके बाद नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरीके का अपोलो हॉस्पिटल का रिएक्ट था, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल ऑलरेडी न्यूज़ ये पहले ही आ चुकी थी। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर कुछ और न्यूज़ आ रही है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा, कौन सी कंपनी करेगी, तो डॉक्टर रेड्डी के साथ शिल्पा मेडिकेयर ये कंपनी मिलके स्पुतनिक वी का वैक्सीन बनाएगी। और बताया जा रहा है कि ये 5 करोड़ वैक्सीन इन ईयर ये बना सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्यूज़ आ रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर देखेंगे तो आज की डेट में 11 से 12% शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड ये शेयर भागता हुआ नज़र आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूज़ के बेस पर कभी शेयर नहीं खरीदते, इसका हमेशा फंडामेंटल देखते हैं, बट स्टिल आपको बताना चाहता हूँ, इस कंपनी को अपनी रेडार पे वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। इसके अलावा हम और कुछ बात कर ले, सिप्ला लिमिटेड अगर बात करें, कुछ अच्छे शेयर नहीं, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए थे, और मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि अच्छे और भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, और एज अ बिग ब्रांड अगर सिप्ला की बात करें, बहुत बड़ा ब्रांड है, बट स्टिल इतना अच्छा खासा परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा है, तो इस स्टॉक से दूर रहिए, मैं हमेशा इसे दूर रहने की रिकमेंडेशन देता हूँ। इसके अलावा डिविस लैब और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक है, तो उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, वो स्टॉक आपको अच्छे खासे पैरामीटर मतलब अच्छा खासा रिटर्न देते हुए मिलेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिप्ला एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर शेवेट कंपनी, कल की डेट में रिजल्ट बताए थे, तो आपको बताया था कि ये शेयर भागता हुआ आपको नजर आएगा, तो आज के दिन में ही खुलती 20% का अपर सर्किट लग गया है, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा और प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। बाकी एज वेल एज यहां पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है, बाकी यहाँ पर शेयर ने मतलब रिजल्ट तो काफ़ी बेहतरीन आया है, कल की डेट में ही बता दिया था कि ये भागेगा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बाकी प्रॉफिट बुक करते रहिए। एज वेल एज बात करें आरती ड्रग्स, तो आरती ड्रग्स भी अगर बात करें तो इसने अपने Q2 में अच्छे खासे रिजल्ट दिखा के Q3 Q4 में मतलब टाइम फिश वाला कहते हैं ना कि कुछ भी रिजल्ट पेश नहीं कर रहा, गिरता हुआ ही हमें नज़र आ रहा है।
सॉरी, तो अगर बात करें ये शेयर इतना मतलब अच्छे खासे पहले भागा था 800 से, इसने एक रैली बनाई थी 4000 रुपीज़ तक, फिर उसके बाद यहाँ गिरता हुआ नज़र आया, अभी फिर बायबैक दिया, फिर पीछे बोनस पता नहीं स्प्लिट देता हुआ नज़र आया था। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो इसका पॉजिटिव है, बट एक रैली थी जो कि इसी की वजह से थी, सिंपल जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के केसेस थे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन और शेयर अभी अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से 8% कंपनी शेयर गिरता हुआ नज़र आया। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको बेचना है या दूसरे शेयर में शिफ्ट होना है, तो इसे देख लीजिएगा। बाकी और भी जितने भी मेडिकल के शेयर थे वो सारे के सारे यहाँ पर गिरते हुए ही नजर आए थे। Q3 और Q4 के अगर मुकाबला देखें तो Q3 के रिजल्ट अच्छे थे, Q4 के बेकार ही मोस्टली कंपनी का है, बट कुछ कंपनी ने अच्छे रिजल्ट भी पेश करे, तो उन कंपनी की तरफ अगर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। एज वेल एज अगर बात करते हैं आरती इंडस्ट्री से रिलेटेड कल इसके रिजल्ट है, एज वेल एज अगर बात करें कल बोनस के रिलेटेड भी पता चलेगा, इसलिए शेयर अब नीचे नहीं आया। इसी टाइम में अगर बात करें 5 डेज, तो इसी टाइम में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है इसी पीरियड में, तो कल अगर अच्छी न्यूज आ गई तो कल ये शेयर 100 रुपीज तक और भागता हुआ नजर आएगा हमें रिजल्ट के बाद। अगर बोनस कंपनी ने अनाउंस नहीं किया तो फिर ये गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी एज वेल एज बात करें बैंक की, तो बैंक सेक्टर ने आज अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। तो अगर HDFC बैंक की बात करूं तो ये 1390 रुपीज पे और 1400 के आसपास एक अच्छा लेवल है, तो इस शेयर को जब भी इस लेवल में मिले खरीद लीजिए। कोटक महिंद्रा की बात करूं 1700 का लेवल हमेशा एक सपोर्ट लेवल इसने बना लिया है, तो ऐसे ये भी शेयर है। इसी तरीके से यहां पर इसने भी 690 के आसपास, ICICI बैंक की बात करें तो 600 के आसपास यहां पर ये शेयरों ने अपना एक लेवल बना के रख रहा है, तो इन शेयरों की तरफ थोड़ा इस तरीके से ध्यान दे सकते हैं। बाकी इंडिया मार्ट से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि एक अपॉर्चुनिटी आप खरीदिए, तो आज के दिन में देखिए 4% भागा है, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से तो नीचे है ही है 20 से 22%, तो इस शेयर की तरफ थोड़ा सा नजरें बना के रखिएगा, बेहतरीन शेयर है और रिजल्ट भी अच्छे खासे ही आए हैं। इसके अलावा बात करें इन्फोएस की, इन्फोएस तो बेकार में गिर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों गिर रहा है, बट प्रॉफिट एक कंसोलिडेशन फेज अगर 6 महीने की बात करें इसी लेवल पर ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है, बट एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, दोबारा बाइंग शुरू कर दीजिए बाय ऑन डिप्स करते करते। ये शेयर एक 500 रुपीज तक तो अपने रिजल्ट से पहले जाएगी, और एक बार जोमेटो का और पॉलिसी बाजार का IPO आया तो ये शेयर की कीमत क्या होगी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एज वेल एज बात करें आयरकॉन, इसका 20 तारीख को आई थिंक रिजल्ट है, और साथ साथ बोनस से रिलेटेड इनका स्प्लिट होता हुआ भी नजर आएगा, तो आप 106 रुपये के आसपास आया तो ये शेयर चुपचाप 105 से 106 पे बेच के निकल जाइएगा, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद ये शेयर आपको और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर ये वैल्यू थोड़ा आपको जो अभी प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस में तब्दील होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा बात करें LTI एक बहुत अच्छे लेवल पर आपको शेयर मिल रहा है, ओके आज की डेट में ये देखिए नीचे गिरा था, और नीचे गिरने के बाद फिर दोबारा ये ऊपर उठ गया है, और ये अगर बात करूँ 3 महीने रख लीजिए 4500 का लेवल, ओके 43-44 का 100 का लेवल आपको मिलता हुआ नजर आएगा, तो इस शेयर की तरफ आप ध्यान दीजिए। एज वेल एज अगर बात करें रैमको सिस्टम, इसके भी रिजल्ट आए थे 25th of this month, तो मैंने ये शेयर आपको अगर हम बात करें एक महीने पहले लगभग यहाँ पर ये शेयर चलता था 485-480 के आसपास, तो मैंने आपको रिकमेंड किया था ये शेयर कि आप इसे खरीद सकते हो, और आज की डेट में अगर बात करें तो 8 से 10% के इस मल्टीपाई अच्छे खासे रिटर्न एक महीने में मिल गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी बाय किया होगा। बाकी इसके रिजल्ट से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, और लॉन्ग टर्म के रुकना है या क्या करना है वो आप अपनी खुद की स्टडी करिए, मैं तो प्रॉफिट बुक में बहुत जल्दी करने वाला हूं। एज वेल एज अगर बात करें यहां पर SIS लिमिटेड शेयर की बात करूं, तो ये शेयर भी मैंने आपको 350 के आसपास जब मैंने खरीदा था तभी मैंने आपको बताया था कि इस शेयर को खरीद लीजिए, ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ मिलेगा। अभी भी अगर बात करें 13-14% का आपको अच्छे खासे गेन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 460-470 रुपीज तक ये शेयर जाता हुआ मुझे एक महीने के अंदर दिख रहा है, जब तक इसका बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाता। एज वेल एज इसका बायबैक चल रहा है, और जिसके पास पहले बायबैक से पहले शेयर लिए होंगे तो वो बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 550 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको कंपनी देती हुई नजर आएगी जिसको भी बायबैक में शेयर कंपनी लेगी। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री 3400 रुपीज से वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और बता दिया था इस शेयर को अकुमुलेट कर लीजिए, ये शेयर इस लेवल पर अच्छा खासा है, इसका एक सपोर्ट लेवल है 3400 का। अगर बात करें यहाँ पर भी अच्छे खासे गेन आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं 3 से 4%, और ये 3700-3800 रुपीज तक अगर चले जाए चुपचाप बेच के निकल जाना, फिर दोबारा एक मौका
मिल जाएगा। एज वेल एज अगर बात करें बालकृष्ण इंडस्ट्री की, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री एक पीक पे पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा इसका RSI हो गया है। ओके, मेरा रिकमेंडेशन तो आपसे ये रहेगा कि इसे आप बेच के निकल जाइए एज अ अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर नहीं है, एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, बट अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो आप इसे रखे रहिए पोर्टफोलियो में, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। कल की डेट में रिजल्ट आया तो ऑलरेडी बता दिया था ये भागता हुआ नजर आएगा, आज के दिन में 11% भागता हुआ नजर आया है। बट आपको बताना चाहता हूँ, अगर स्विंग ट्रेडिंग आपका है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस शेयर में, क्योंकि बहुत इससे अच्छे लेवल पर एक और शेयर मिल रहा है, वो रिकमेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से चार्ट पैटर्न जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है ये शेयर। अगर बात करूँ मैं इसी तरीके का चार्ट पैटर्न, यहाँ पर अगर हम बात करें सीएट लिमिटेड, एक शेयर है सीएट लिमिटेड, देखिए इसी तरीके का चार्ट पैटर्न बनाया था, इसके बाद गिरता हुआ नजर आया था। तो इसी तरीके से अगर बात करूँ सीएट को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, वो मतलब 2930 के RSI पे चल रहा है, आप इसे यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें बालकृष्ण, तो देखिए बालकृष्ण यहाँ पर पहुंचा है, ये यहाँ पहुंच के नीचे आ भी चुका है, तो सीएट का टाइम है। और बालकृष्ण से अगर बात करूँ तो बालकृष्ण अच्छा स्टॉक है नो डाउट, बट स्टिल प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया। यहाँ पर देख लीजिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अगर बात करूँ कितने के RSI पे चल रहा है, ये शेयर 86 के RSI पे चल रहा है, कल शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई आपको दिख सकती है और यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट भी दिख सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के जो प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट को घर पे ले जाके जा सकते हैं, बाकी सीएट टायर की तरफ ध्यान दे सकते हैं, अच्छे खासे लेवल पर मिल रहा है जो दोबारा अपसाइड 3 महीने के अंदर अंदर मुझे जाता हुआ दिख रहा है, और 20% से लेके 30% तक के शेयर अच्छे रिजल्ट मुझे अच्छे खासे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी इसी चीज़ इन पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड वीडियो थी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करिए, ये मेरी खुद की स्टडी थी जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, तो थैंक यू।